और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहाँ सर्दी जुखाम खांसी बुखार ये सारे न जाने क्या क्या होता है ये मामले बढ़ जाते हैं ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए साथियों यह बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक वन हुआ है व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है पहले हम मास्क को लेकर दो गज की दूरी को लेकर दो गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है साथियों लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था अब सरकारों को स्थानीय निकाय की संस्थाओं को देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं हमें उन्हें टोकना होगा रोकना होगा और समझाना भी होगा अभी आपने खबरों में देखा होगा एक देश के प्रधानमंत्री पर तेरह हजार रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है साथियों लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले केंद्र सरकार हो राज्य सरकारें हो सिविल सोसाइटी के लोग हो, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई बहन भूखा न सोए देश हो या व्यक्ति समय पर फैसले लेने से संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई इस योजना के तहत गरीबों के लिए पौने दो लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया साथियों बीते तीन महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे इकतीस हजार करोड़ जमे जमा करवाए गए हैं इस दौरान नौ करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में अठारह हजार करोड़ रुपए जमा हुए हैं इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है इस पर सरकार पचास हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है लेकिन साथियों एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है आश्चर्य में डुबो दिया है वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को तीन महीने का राशन यानी परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने एक किलो दाल भी मुफ्त दी गई यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से ढाई गुना अधिक लोगों को ब्रिटेन की जनसंख्या से बारह गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग दो गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है साथियों आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं साथियों हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है अब आप देखिए अभी पांच जुलाई को गुरु पूर्णिमा है फिर सावन शुरू हो रहा है फिर पंद्रह अगस्त आएगी रक्षाबंधन आएगा कृष्णा जन्माष्टमी आएगी गणेश चतुर्थी आएगी ओणम होगा और आगे जाएं तो काटी बिहू है नवरात्रि है दुर्गा पूजा है दशहरा है दीपावली है छठी मैया की पूजा है त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है खर्च भी बढ़ाता है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली यह योजना अब जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर में भी लागू रहेगी सरकार द्वारा इन पांच महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने एक किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा साथियों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में नब्बे हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले तीन महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपया हो जाता है अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं और काम क्या है अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर के कहीं और जाते हैं किसी और राज्य में जाते हैं साथियों आज गरीब को जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से दो वर्गों को जाता है पहला हमारे देश के मेहनती किसान हमारे अन्नदेता और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर आपका परिश्रम आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है आपने देश का अन्न भंडार भरा है इसलिए आज गरीब का श्रमिक का चूल्हा जल रहा है आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है अपना दायित्व तो निभाया है इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं उन्हें नमन करता हूं साथियों आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे हम गरीब पीड़ित शोषित वंचित हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है आगे भी बढ़ना है फिर से एक बार मैं आप सब से प्रार्थना करता हूं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं आपसे आग्रह भी करता हूं आप सभी स्वस्थ रहिए दो गज की दूरी का पालन करते रहिए गमछा फेस कवर मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिए कोई लापरवाही मत बरती है इसी आग्रह इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं धन्यवाद